बेनजीर कत्ल केस की साजिश अबू उबैद अल मिस्री ने तैयार किया। अमल दरामद बैतुल्लाह महसूद ने कराया। परवेज मुशरफ ने बेनजीर भुट्टो को इलेक्शन से कबल पाकिस्तान आने पर धमकियां दी। इन्हें वतन वापसी के लिए रेड नोटिस जारी करेंगे। रहमान मलिक की सिंध असेंबली को ब्रीफिंग। मुशर्रफ और तालिबान दोनों बेनजीर को खतरा समझते थे। बेनजीर भुट्टो को वीआईपी सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। तालिबान ने बेनजीर को लाल मस्जिद ऑपरेशन की हिमायत पर कत्ल करवाया। तहकीकाती टीम के सरबरा खालिद कुरैशी की सिंध असेंबली को ब्रीफिंग। खुद कुछ हमलावरों की फुटेज भी दिखाई गई। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ गिलानी ने बलोचिस्तान की सूरत हाल पर सियासी क़यादत से राबतों के लिए कमेटी तश्कील दे दी। चालान पेश न करने पर चीफ जस्टिस की शदीद बरहमी। आईजी पंजाब और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट में तलब। क्या तमाशा लगा रखा है आपको, शायद जेलों में कैद मुलजमान की सूरत हाल का अंदाजा नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। मंसूर एजाज का वीडियो बयान कल रिकॉर्ड किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिहर्सल की जाएगी। मुस्तकिल ना करने के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क भर में नादरा मुलाजमीन की हड़ताल और एहतजाज। दफातर बंद, लोगों को मुश्किलात का सामना। और दुबई में खेले जाने वाले आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ओवर्स में बैटिंग जारी।